जनपद संभल के चंदोसी में अभिभावक संघ ने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन क्लास पर रोक, वर्तमान सत्र को जीरो तथा फीस माफी की मांग की गई। कोविड-19 महामारी काल में स्कूल 22 मार्च 2020 से बंद चल रहे हैं और बच्चों की शिक्षा तभी से बाधित चली आ रही है। बच्चों को संक्रमण से बचाने हेतु अभिभावक बच्चों को घर में रोके हुए हैं। ऐसी मानसिक पीड़ा के दौर में किसी भी प्रकार की शिक्षा का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन स्कूल संचालकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जबरदस्ती बाध्य कर रहे हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए जनपद संभल के चंदोसी में अभिभावक संघ ने आज प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी को ज्ञापन सौंपकर जब स्कूल बंद रहेंगे तब तक की फीस माफी की मांग की। इस पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अभिभावक संघ को आश्वासन देते हुए कहा कि वे स्कूल प्रबंधकों को बुलाकर इस पर वार्ता करेंगी। इस दौरान अभिभावक संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हमारा कहना ये है कि निजी विद्यालय प्रबंधन छात्रों पर, छात्रों का अनुचित दबाव बना रहे हैं। इवन धमकियां ये दी जा रही हैं कि जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, जो उनका बोर्ड एग्जाम है, वो कह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं भरवाएंगे हम अगर फीस जमा नहीं होती है। अभिभावक पहले से टूटा हुआ है, रोजी रोटी की समस्या है उसके सामने। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 महामारी पैंडेमिक के दौरान वो इतना परेशान हो चुका है, कमर टूट चुकी है उसकी, उसके पास घर में खाने को, रोटी खाने को पैसे नहीं है और अनुचित दबाव बनाया जा रहा है निजी विद्यालयों द्वारा कि हमें आप फीस ला के दीजिए, कहीं से ला के दीजिए। वो अपने जेवर गिरवी रखे पत्नी के, वो अपने कपड़े बेचे, वो अपने क्या क्या करे। हमारे पास लोग रोज़ 8-10, 12-15 लोग आते हैं, हमसे कहते हैं भाई साहब कुछ निदान कीजिए। हमारी माननीय राज्य मंत्री जी, हमारी शहर की विधायिका और हमारे परिवार का हिस्सा भी हैं, माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी के पास हम आए हैं, जो हमारी शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। हमने उनसे निवेदन ये किया है कि जब तक प्रॉपर स्कूल नहीं खुलते, प्रॉपर स्कूल से मतलब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बस्ता लेके स्कूल जाते थे सुबह 9 बजे और दोपहर को 2 बजे लौट के आते थे, जब तक प्रॉपरली बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक की पूर्ण फीस माफ़ी की जाए, किसी भी आपको अनुचित दबाव न बनाया जाए, उसका मानसिक शोषण न किया जाए और अगर जरूरत पड़े तो हमारे बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए सत्र को जीरो सेशन घोषित किया जाए। कोई आफत नहीं आ रही, बच्चे एक साल नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे जीवित रहेंगे तो आगे फिर पढ़ लेंगे। जान है तो जहान है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जान है तो जहान है, हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। बच्चे हमारे बच्चे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सत्र को जीरो सेशन घोषित किया जाए और किसी वजह से अगर ये शिक्षा कंटिन्यू रहती है, ऑनलाइन शिक्षा, जो कि शिक्षा का पर्याय है ही नहीं, जो एक फर्जी शिक्षा है, एक वर्चुअल शिक्षा है जिसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन बच्चों को हिलाने डुलाने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा एक प्रोत्साहन देने के लिए अगर शिक्षा जारी रहती है तो इसका कोई चार्ज न लिया जाए। निजी विद्यालय विगत कई सालों से बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाइक आर के स्कूल 1990 से लेकर 2020 तक 30 साल हो गए, अरबों खरबों रुपया कमा लिया। शहर के प्रति भावना होनी चाहिए आर के स्कूल के मैनेजमेंट में कि वो एक साल बिल्कुल फीस माफ़ी कर दे। नहीं सोच रहे वो लोग, दबाव बना रहे हैं अभिभावक और हम इसके विरुद्ध खड़े होते हैं, हम इसका विरोध करते हैं पुरजोर तरीके से। और जब तक ये पूर्ण हिसाब ऐलान नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा, इसमें चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। नहीं, अभिभावकों की समस्या का समाधान किया जाएगा। वैसे हमारी सरकार ने बहुत बड़ा समाधान किया है इस लॉकडाउन के जो बीच में, उन्होंने ये व्यवस्था की है कि बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए घरों में पढ़ाई की व्यवस्था की है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। और फीस में भी उन्होंने बहुत बड़ा संशोधन किया है कि जो अभिभावक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो अपनी फीस के लिए किस्तों में जमा कर सकते हैं, और किस्तों के साथ साथ जो अभिभावक उससे भी मतलब किस्तें भी नहीं दे सकते हैं वो अपना आवेदन दे सकते हैं कि हमारी फीस को मतलब फीस से मुक्त कर दिया जाए। उनके आवेदन पर भी विचार किया जाता है और उनको फीस मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर सभी अभिभावक अपनी मजबूरी को दिखाएंगे कि हम फीस नहीं दे सकते, तो जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, पूरा स्टाफ हमारा काम कर रहा है, कि बिना फीस के व्यवस्था कैसे बनेगी विद्यालयों की। तो उसके लिए हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए फीस देना आवश्यक है। दूसरी व्यवस्था ये की है कि जो लोग नियमित कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, उनको नियमित रूप से वेतन मिलता है सरकार की तरफ से, उन लोगों के लिए फीस देनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से सामंजस्य बैठा गया है। अब हमारे जो सारे लोग अभी जो आए हैं, जिन्होंने मुझे ये ज्ञापन दिया है, उनकी मांग ये है कि जब तक बच्चे विद्यालय ना जाएं तब तक की फीस बिल्कुल ना ली जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं विद्यालयों के प्रबंधकों को बुलाऊंगी और जो हमारे पदाधिकारी हैं अभिभावक संघ के, उनको बुलाऊंगी और दोनों के बीच में मैं वार्ता करवा पाऊंगी, जो भी बीच का रास्ता निकलेगा, जिससे विद्यालयों की व्यवस्था भी खराब ना हो और हमारे अभिभावकों को भी परेशानी ना हो, ऐसा रास्ता निकालने का हम प्रयास करें।